थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला मंडल बाड़मेर आगोर के सहयोग से स्थानीय बरकत कॉलोनी स्थित दारुल उलूम गुलशन ए खतीजतुल कुबरा बालिका आवासीय मदरसा में फातिमा शेख जयंती पर फातिमा शेख अवार्ड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला मंडल बाड़मेर आगोर के सहयोग से स्थानीय बरकत कॉलोनी स्थित दारुल उलूम गुलशन ए खदीजतुल कुबरा बालिका आवासीय मदरसा में फातिमा शेख जयंती पर फातिमा शेख अवार्ड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। मशहूर शायर व कवि फारूक खान गौरी ने कहा कि फातिमा शेख आधुनिक भारत की सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। इसने सावित्रीबाई फूले के साथ भारतीय शिक्षा को नया स्वरूप दिया था और पुनर्जीवित किया। थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जो बीड़ा उठाया है वह वाकई काबिले तारीफ है। फातिमा शेख चांद बीबी रजिया सुल्तान सरीकी खवातीन ने अपने क्षेत्रों में जो कार्य किए हैं वह किसी इंकलाब से कम नहीं। थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक अबरार मोहम्मद ने बताया कि आज़ादी के 77 साल बाद भी मुस्लिम समाज के स्तर में सुधार नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव, जबकि इस्लाम में इकरा यानी शिक्षा का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, बावजूद इसके कोई इसे हासिल नहीं कर रहा। मदरसे के संचालक मौलाना मीर मोहम्मद ने कहा कि या तो अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा अल जहरा थी जिन्होंने दीन की तालीम के लिए मसासरे में इंकलाब पैदा किया था, या फातिमा शेख थी जिन्होंने दुनियावी तालीम के लिए जद्दोजहद की। कौम की बेटियों को बीवी फातिमा अल जहरा और फातिमा शेख के नक्शे कदम पर चलते हुए दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और कौम के बेदारी लाने का कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में व्याख्याता हाजी अनीस अहमद, आईटीआई अनुदेशक लियाकत अली, उपाध्यक्ष मास्टर रफीक मोहम्मद, अनुदेशक सिकंदर अली तेली, हाजी अब्दुल रहमान टाइगर, संयुक्त सचिव शौकत शेख व टीपू सुल्तान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सोसाइटी संयोजक अबरार मोहम्मद ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिले के अनुकरणीय सेवाओं के लिए आलिमा साहिबा बानू व राफिया फरहत को फातिमा शेख अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस दौरान सोसाइटी की ओर से तमाम अतिथियों द्वारा जबरदस्त कुलपोशी करते हुए साल उड़ाकर व फातिमा शेख अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।